नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं घोंडा से सीलमपुर जाने वाले रोड पे और यहाँ ब्रह्मपुरी के गली नंबर 1 और 2 के बीच में जो गली पड़ती है उसमें एक बच्चे का पतली गली में मर्डर कर दिया जाता है। वो बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है और उसकी उम्र करीब 14 साल बताई जा रही है और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं जो चौंकाने वाली हैं। जिस बच्चे के ऊपर आरोप लग रहा है उसके साथ 4 से 5 लोग होते हैं और इसमें जिस बच्चे के ऊपर आरोप लग रहा है उसकी उम्र को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल निकलता है। उस बच्चे की उम्र 17 से 18 साल बताई जा रही है। बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है और 2 बार वो 9th क्लास में फेल हो चुका है। सरकारी स्कूल ने उसको एडमिशन देने से मना कर दिया। उसके बाद प्राइवेट स्कूल जहाँ वो बच्चा पढ़ रहा था उसमें उसको एडमिशन मिलता है। आखिर किस बेस पर उसको एडमिशन मिलता है? क्या एज लिमिट स्कूल ने ताक पर रख दी थी? और ये भी बताया जा रहा है कि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड भी क्रिमिनल है। अब आप खुद सोचिए, यह परिवार इस समय रोड पे यहाँ जाम लगा के बैठा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। बराबर यहाँ आए दिन आप ऐसे हादसे देखते हैं कि स्कूलों में बच्चे हथियार लेके जा रहे हैं, चाकू हो, ब्लेड हो, पेचकस हो, हम आपको लगातार खबरें इस एरिया की दिखा रहे हैं। मगर स्कूल के अंदर किस तरीके का माहौल है आजकल, यह आपके सामने एक नया मामला आ रहा है। जैसी ऐसी बातों पर पता नहीं कौन से उनके बंटवारे होते हैं, कौन सी ऐसी बात होती है जिससे वो एक दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं। आखिर इसके बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जेल जाते हैं, पूरी जिंदगी का रोना हो जाता है, उनका करियर खत्म हो जाता है। मगर इनके माँ बाप ना इनको रोकते हैं और ना ही ऐसे बच्चों के ऊपर कोई कार्रवाई होती है। आगे जो समय आएगा उसमें किस तरीके की हरकतें करेगा, किस तरीके के इसके जो क्राइम ग्राफ होंगे वो भी अब सोचने वाली बात है। पहले ही लोग जैसा बता रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे, लोग बता रहे हैं कि इसके फैमिली का बैकग्राउंड भी क्रिमिनल है। अभी पुलिस भी इस पे लीपापोती वाली बात कर रही है कि हाँ अरेस्ट किया है, बताएंगे नहीं बताएंगे, अभी इस पे कोई चीज़ें खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने केस जरूर दर्ज किया है मगर 5 बच्चे हैं इसमें, एक बच्चे को बताया जा रहा है जैसा कि लोग बता रहे हैं कि अरेस्ट किया है। पुलिस ने अभी किसी को अरेस्ट का ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया है और 4 बच्चे और हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। अब आप सोचिए कि जिसका बच्चा चला गया वो क्या करेगा? वो रोड पे जाम ही लगाएगा, इंसाफ के लिए गुहार ही लगाएगा। और कहीं ना कहीं अगर पुलिस हमेशा की तरह बाद में आएगी, ऐसे बच्चों के साथ कोताही बरतेगी तो एरिया में ऐसे हादसे होते रहेंगे, लोगों के अंदर डर रहेगा, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूलों में ये हाल है तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। 23 तारीख की रात को एक बच्चे का, करीब शाम को एक बच्चे का मर्डर हो जाता है। छात्र है, वो अपने स्कूल जाता है, वहाँ पे उसके साथी जो उसी क्लास में और उसके साथ पढ़ने वाले हैं उसको सरेआम मार देते हैं और चाकू से उस पर वार करा जाता है, उसको बेरहमी से मारा जाता है। और अब उसी के खिलाफ लगातार उसकी फैमिली, परिवार के लोग और एरिया के सभी लोग इस समय घोंडा सीलमपुर रोड पे इस समय जाम लगा रखा है। इन्होंने सारे रोड ब्लॉक कर दिए हैं। इनका कहना है इंसाफ चाहिए और आए दिन ये घटना बढ़ती आ रही है, क्योंकि अगर जरा जरा से बच्चे हथियार लेके चल रहे हैं, क्योंकि जिस बच्चे का मर्डर किया गया है उसको चाकू से मारा गया है। अब आप सोचिए कि एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 14 साल है और उसको मारने वाला बच्चा भी उसके साथ का ही है और वो अगर चाकू लेके चलता है, चाकू से वार करता है, चाकू से मर्डर करता है, तो कानून व्यवस्था पे स्कूल के ऊपर और लोगों के अंदर जो इस चीज़ को लेकर डर है, सवाल तो उठता है कि आखिर प्रशासन कहाँ है, पुलिस कहाँ है? लोगों में डर नहीं है, कानून को सरेआम लोग ताक पे रख के चलते हैं। इसी कारण अब यहाँ पे लोगों ने जाम लगा रखा है। परिवार के लोग इस समय रोड पे हैं और किसी कीमत पे अब वो यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। पूरा रोड इस समय ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस यहाँ आके इनको समझाने की कोशिश कर रही है मगर जिसका बच्चा जाता है, जिसके साथ ऐसी घटना होती है, उससे पूछे उसके दिल पे क्या बीतती है। ये देखिए, ये पूरा एरिया इस समय बंद कर दिया गया है। यहाँ पे परिवार के लोग, एरिया के लोग सभी इसके सपोर्ट में यहाँ बैठ चुके हैं रोड पे और ये पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया है। इसमें कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें बहुत से चौंकाने वाली बातें हैं। जिस बच्चे ने मारा उसकी उम्र ज्यादा बताई जा रही है, 7 उसी स्कूल में पढ़ता है मगर उम्र ज्यादा है। आप देखिए, उम्र ज्यादा है, हथियार लेके चल रहा है,
चाकू और ऐसे अगर वो हथियार साथ लेके चल रहा है, यानी सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उसका मर्डर किया जाता है, प्लानिंग है। और क्या हमारा एक सवाल उसके माँ बाप से, उस बच्चे के माँ बाप से, क्या उस बच्चे का बहिष्कार करेंगे, क्या उस बच्चे को सजा दिलाने में वो इन माँ बाप के साथ खड़े होंगे जिसका बच्चा इस दुनिया में से चला गया। उसकी लापरवाही, उसके इस कार्य से एक परिवार बर्बाद हो गया, परिवार पे इस समय कहर टूट रहा है दुखों का। और जो लोग हैं अब उसी को लेके यहाँ रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मौजपुर में 8th में, वो तो 25 साल का है सर, उसमें कैमरे में दिखाई दिया, वो उस स्कूल का लग नहीं रहा था सर, लेकिन वो ले लिया। 25 साल का है वो, सरकारी में से आकर के इस स्कूल में एडमिशन पता नहीं कैसे लिया, मैंने तो पहली बार देखा है सर। वो लड़का ड्रेस पहन रखी थी उसने उस स्कूल की। हाँ, मैं स्कूल में कंप्लेंट करके आई थी 3-4 बार, मेरे फैमिली में सब पे कंप्लेंट कर करके आए, बुआ अम्मा बाबा साहब सारे यहाँ खून कच्चर हो रहे थे उसके। बेहोश हो गया बाथरूम में। 1.5 महीना पहले बेहोश हुआ था। और बोल रहे हैं पिछले महीने स्कूल नहीं आया, बस 8-10 दिन की छुट्टी करी थी मेरे बच्चे ने, डेली स्कूल गया, उन्होंने तो कह दिया स्कूल ही नहीं आया। प्रिंसिपल कह रहा है, राजकुमार सर कह रहे हैं, कंप्लेंट लिख के नहीं दी, ऐसे ही करी थी उन्होंने, ऐसे ही सुनी थी और फिर कुछ नहीं कार्रवाई की। अगर बोलते लिखित में दो तो हम लिखित में देते। मेरे को वो स्कूल बंद चाहिए, राजकुमार प्रिंसिपल अरेस्ट चाहिए, बच्चे को फांसी चाहिए। एक ही बच्चा था हमारी लड़की पे, एक ही था, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ। मेरा बच्चा लौटा दो। उस गली में मेरा बच्चा मार के फेंक गए, पूरी गली खून खून हो रही है, खून के लोथरे पड़े, मेरे बच्चे के देखा नहीं गया, नाक में से, आंख में से, मुंह में से, यहाँ सार में गोद दिया मेरा बच्चा ब्लेटों से। मैं कैसे कैसे लेके भागी अकेली, मैं ही जानती हूँ। मुझे उस बच्चे को लौटा के दो, मैं खुद मारूंगी उस लड़के को जिसने मेरा बच्चा मारा है। नहीं, सुनने में आ रहा है एक शिव नाम का लड़का था, उसने दोस्ती कराई थी और मारने वाला मोमडन था, जावेद नाम था उसका। खजूर वाली गली का सुनने में आ रहा है, बैग दो मिले, पता नहीं एक मेरे लड़के का होगा शायद और एक जिसने मारा उसका था, पुलिस वाले ले गए बैग। बैग उसका मारा है। कुछ भी कार्रवाई नहीं करी, बच्चा हमारा मर गया, हम ही कल से भागे भागे फिर रहे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना उस टीचर को अरेस्ट कर रही, ना प्रिंसिपल को अरेस्ट कर रही, ना स्कूल बंद कर रही, कुछ भी नहीं कर रही पुलिस। पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है। एक भाई स्कूल भी गए थे, स्कूल वालों ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, स्कूल वाले बोलते आपने कंप्लेंट नहीं करी, बच्चा स्कूल नहीं आया, सबने पैसे खा रखे, झूठ बोल रहा है स्कूल प्रशासन। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, सागर को इंसाफ चाहिए, जस्टिस फॉर सागर, सागर को इंसाफ दिलाइए तो चाहिए, सामने चाहिए। वो 18 साल से ऊपर का स्कूल वालों ने पैसा खा कर उसका 6th में एडमिशन दिया है और उसकी पूरी फैमिली क्रिमिनल है, ये सुनने में आया है। खजूर वाली गली का है वो, जानता नहीं उतना कि इतना पता लगाया कि वो खड्डे वाली मस्जिद का है और उसके जो फैमिली है पूरी क्रिमिनल है, नासिर कांडा अभी उसी के उनकी फैमिली का, और एक शकील है जो अभी मर्डर केस और डकैती के केसों में वो वहाँ से अभी छूट करके आए हुए हैं। हाँ जी, पूरे हम चाहते हैं कि जो सागर को पूरा न्याय मिले, जस्टिस मिले और वो लड़का हमारे को सौंपा जाए, जिस तरीके से उसने हमारे मेरे भतीजे सागर को मारा है, जैसे ब्लेड मारे हैं, सर दीवार में दे करके मारा है, उसके मुंह से खून के लथड़े से निकल के आए, मांस के टुकड़े यहाँ निकल के आए मुंह से उसके, हम ये जस्टिस चाहते हैं सागर के लिए। हमने सिर्फ ये देखा जिस टाइम हम गए थे तो मतलब हल्ला मचा रहे थे कि ये किसका बच्चा है, गिरा है, वो भागता हुआ आया था और खून में वैसे भी लथपथ था
और आकर के उसे देखा, जैसे जब इन पे गिर गया था, हम कहते पता किसका बच्चा है, जब उसको उसका बैग उतारा है, उसकी पास वो निकाली है किताब निकाल के, उसका एड्रेस वगैरह देखा है और फ़ोन नंबर किसी ने फ़ोन किया है उनके घर, और तब उस बच्चे को सीधा किया तो उसका इतना खून बह रहा था, नाक में से, मुँह में से और गले में से इतना खून निकल रहा था कि देखा नहीं गया। हम तो बस हल्ला ही मचाते रह गए, क्यों उठा के इसको लेके जाओ, जब दो हमारी ही गली के बंदे आए उसको उठा करके नहीं ले करके नहीं आए हैं। उसका बहुत बुरा हाल था, बच्चा पूरी गली में से भागता हुआ, पूरी गली में खून है, खूनों की उल्टी करके ऐसे भागता हुआ। नहीं, हमने तो बस हमारे पास में जहाँ पर आया हमने तो सिर्फ यही देखा था, और आगे गली के क्या कहते हैं क्या नहीं कहते मुझे नहीं पता कि उस बच्चे को किसी ने देखा या नहीं देखा। ये बात आपने देखा था कुछ? यही देखा था, बच्चा शोर मच रहा था, हम घर से बाहर गए तो उल्टियाँ ही कर रहा था, मतलब समझ नहीं आ रही थी कहाँ से खून नहीं निकल रहा, अब टच भी नहीं किया जा सकता था, बहुत बुरी हालत थी। बस अब तो न्याय चाहिए। गली के लोग बाहर निकले उसको? हाँ, निकले क्या, हमारे सामने तो वो गिर गया था ना, हम लोग बाहर आए ना, हमें आवाज़ आई देखो बच्चे को क्या हो गया है, हम लोग सब बाहर गए तो वो बेचारा नीचे गिरा हुआ था, मतलब समझ नहीं आ रहा था, कान से खून निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, ये चीज़ तो उसकी बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था यही निकल के गिर गई है, बहुत हाथों में यहाँ पे उसके कट कट से निशान पड़े हुए थे। कार्रवाई के लिए हम पता करने के लिए कल रात उस्मानपुर थाने गए थे, जहाँ पे SHO साहब से क्षेत्र के लगभग करीब थाना उस्मानपुर थाने गए थे, लगभग 50-60 हम परिवार के क्षेत्र के लोग थे वहाँ पे, और सब बातों में हमारे निगम पार्षद भी जी साथ में थे, अनिल गौड़ भी, तो हमने उनके संज्ञान में दिया, सब बातें हुई तो उन्होंने हमारी सुनी तो सारी, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है, क्या कर रहे हैं, क्या होगा या नहीं होगा परिवार को भी नहीं बताया, परिवार के जो बच्चे के पिता थे वो भी साथ में बैठे हुए थे वहाँ पे, उनको भी किसी चीज़ का उन्होंने खुल के नहीं बताया कि हम तुम्हारे बच्चे के अपराधी या जिसने उसका मर्डर करा है या उसके साथ के, लगभग 5 बच्चे थे वो, उनमें से किसके साथ क्या हुआ, कोई पकड़ा नहीं पकड़ा, कार्रवाई क्या हुई है, प्रशासन ने बोला कल बताएंगे, और जिसका बेटा गुजर गया हो उसको कार्रवाई भी SHO साहब कह रहे हैं कल बताएंगे, ये तो संवेदनहीनता की प्रकाशा कह सकते हैं इसे, जबकि SHO साहब को परिवार को अपने विश्वास में लेके कम से कम उनको ये तो बताते कि भाई इस बच्चे के लिए जो अपराध करा गया, जिसने भी करा उसको हम क्या करने जा रहे हैं, और जो बच्चा है वो एक तरीके से जितना भी कहानी निकल के आ रही है स्कूल की नाजायज पैदाइश कह सकते हैं उसे, स्कूल प्रशासन को उस बच्चे की कम से कम 10-12 बार कंप्लेंट करी जा चुकी है, और जो बच्चा जिसने मारा है उसकी उम्र लगभग 17-18 से ऊपर है, 20 तक बता रहे हैं, और क्लास पढ़ रहा वो 6ठी क्लास में, और मरने वाला बच्चा 14 साल का जो कि 8वीं क्लास में था, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं है, स्कूल का संपूर्ण समर्थन उस बच्चे को या इस व्यवहार को यहाँ तक लाने के लिए पूरा अगर दोषी मैं अगर दिखाऊँ अपने भाव से तो केवल स्कूल का दोष है, स्कूल को संज्ञान में दिया, बताया गया कि बच्चा गलत चल रहा है, इसके साथ कोई असामाजिक गतिविधियाँ कर रहा है, अपने साथ हथियार लेके चलता है, स्कूल प्रशासन ने जिसने उसको बोला कि भाई ये ऐसा हो रहा है उनको ही धमका दिया, उस अपराधी बच्चे को कुछ नहीं कहा। भाई हम जब कल रात SHO साहब के साथ थे उन्होंने खुल के तो कुछ नहीं बताया, ये क्या हम कार्रवाई कर रहे हैं कल बताएंगे। सर ये तो कार्रवाई के नाम के तो आपको भी पता कि हमारे देश में कार्रवाई कैसे होती है, कितना समय लगता है, कार्रवाई कह के उन्हें घर हमको भेज दिया, अब कार्रवाई तो SHO साहब जाने या क्या हो रहा है ये वो जाने प्रशासन। अभी तक कोई कार्रवाई का आपको दिख रहा है कुछ कार्रवाई हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, और कार्रवाई पे कोई एक्शन भी नहीं है, और वो झूठे वो बना रहे, स्कूल वाले भी इसमें मिले हुए हैं। आप क्या कह रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई है कुछ पे भी? सर कार्रवाई हो रही होती तो आपको लगता है यहाँ पे भीड़ इकट्ठी, पब्लिक क्यों इकट्ठी होती? पुलिस का तो कहना है कि हमने एक बच्चे को अरेस्ट कर रखा है, हम मान लेंगे उनकी बात, हम उनकी बात को मान लेते हैं, हम कह रहे हैं ये जो स्कूल पे मेन चल रहा है फोकस, उनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा, स्कूल बंद करा जाए पहले, तो मेन स्कूल है सर। कारण तो सर 2-3 दिन पहले ही एक भाई इन्होंने कंप्लेंट भाई बोल के इन्होंने करी है कि भाई ये चीज़ हुई है, स्कूल वाले टीचर ने कुछ नहीं एक्शन लिया, अगर लिया होता तो बच्चा आज ठीक ठाक होता। आज दो बार कंप्लेंट देने के बाद रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं लेंगे इसको, वो फेल हो चुका बच्चा, वो पहले क्रिमिनल है, वो जो जिसने ये केस किया, हाँ जी, वो नाइन्थ क्लास में से दो दफे बच्चों फेल हो चुका है, फिर सरकारी स्कूल ने लिया नहीं वो, फिर इस पूजा पब्लिक वाले ने बच्चा 7वीं क्लास में ले लिया पैसे लेके, क्यों ऐसा हो रहा है? फिर ऐसे तो बहुत ज़्यादा, आज तो इनका बच्चा मरा, कल को मेरा बच्चा के साथ भी हादसा होगा, ये तो ये हमारे मोहल्ले में 3-4 घर बच रहे, ये मर्डर मार दिया, अब नुके बेको
ये हाल हो रहा, हमको सताया जा रहा है इसमें। हमारा हम यहाँ हिंदू कोई कोई सेफ नहीं है, ये टारगेट करा जा रहा है हिंदुओं को। जिस हिसाब से टारगेट 10 दिन शांत रहते, 10 दिन के बाद फिर किसी बच्चे के साथ, किसी लड़की के साथ कोई भी घटना घट सकती है। अब सारे ड्यूटी वाले अपने बच्चों को देखेंगे, अपना काम धंधा देखेंगे, इस तरीके से कैसे चलेगा? और ये पहले नहीं, कई केस हो चुके हैं ऐसे। स्कूल प्रशासन के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा निदेशालय को इसकी, इस तरह की जो गतिविधियां, इनकी पूरे का पूरा रिकॉर्ड चेक होना चाहिए, कौन से बच्चे कैसे हैं, किस उम्र के हैं, और असामाजिक तत्व जो बच्चे हैं, जो सब सरकारी स्कूलों ने उनको भगा बाहर निकाल दिया, उन्होंने स्कूल का माहौल ख़राब करवा रहे हैं, और उन बच्चों को वो अपने आप पर शिक्षा देने के नाम पर केवल पैसे ऐंठ रहे हैं। यानी एक तरीके से शिक्षा का भयंकर दुरुपयोग कर रहे हैं शिक्षा के नाम से। ये इनके ऊपर बहुत कार्रवाई होनी चाहिए, और हो सके तो ये आवाज़ ऊपर तक जाए, ताकि आगे और किसी स्कूल के साथ ना हो। एक अभी एक महीने पहले सरकारी स्कूल में हुआ, अब ऐसी ही लगभग वही घटना एक प्राइवेट स्कूल में हो गई। अब अपने बच्चों को कोई सरकारी में या प्राइवेट में कहाँ भेजे, कहाँ वो बच्चे हमारे सुरक्षित रहेंगे? असामाजिक तत्व अगर भी पनपते रहेंगे स्कूलों के अंदर। तो डी सी साहब ने कहा है कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, बींग ए ह्यूमन मैन भी और बींग ए पुलिस मैन भी, हम उनको साथ न्याय करेंगे। जो भी लड़के छूटे हुए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। स्कूल जो है उसके मैनेजमेंट को एक्सप्लेन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 3 महीने से अगर शिकायत थी तो क्यों नहीं संज्ञान में लिया। और जो लड़के, 4 लड़के का नाम बताया जा रहा है, जिसमें एक नावेद गिरफ्तार हो चुका है, रात को पुलिस ने उसको उठा लिया है, बाकी जो उसके 3 साथी और थे इस घटनाक्रम में, पुलिस विभाग के आला अधिकारी यहाँ खड़े हैं, और जॉय टर्की जी से भी मेरी बात हो चुकी है। निश्चित रूप से कोशिश है कि अगले 10 से 12 घंटे में दबिश करके उन सबको उठाया जाएगा, और उसके बाद इंट्रोगेशन होगी, और कड़ी इंट्रोगेशन करें, और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय के हम मैं खुद भी इस केस को मॉनिटर करूँगा, और निश्चित रूप से पुलिस के आला अधिकारी, चाहे कमिश्नर से बात करनी पड़े, चाहे गृहमंत्री से बात करनी पड़े, इस विषय पर हम ऊपर तक संज्ञान में देकर इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आर्थिक सहायता सरकारी तौर पर जो होगी वो भी मिलेगी, व्यक्तिगत तौर पर भी हम इसके लिए प्रयास करके उनको आर्थिक मदद का काम करेंगे। हाँ, जैसे सुनने में आ रहा है, जो खड्डे वाली मस्जिद के आसपास रहता है वो लड़का क्रिमिनल परिवार से है, और एक्टिविटी उसकी क्रिमिनल है। और ये सारे पहले स्कूल के टीचर से भी शिकायत 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करके आए थे, तो स्कूल के प्रशासन की भी लापरवाही है। तो उसे, और जो पीछे पार्क के पीछे से जो रास्ता आ रहा है वहाँ भी छूट छुटाव करवाया है, और वहाँ उसके घर के आसपास की गली है पतली सी, उसमें ले जाके उसे या वारदात करी है। तो मैं तो साथ खड़ा हूँ, मैं रात भी SHO साहब के पास गया था, जो थाना अध्यक्ष है उस गौतमपुर उस्मानपुर सुखराम जी, और पूरे मोहल्ले के लोग थे, इनके पिताजी थे बच्चे के, तो मैं तो आप लोगों के साथ खड़ा ही हूँ। जहाँ विधायक जी सुन के आए हैं, गोंडा विधानसभा के हैं, सारा प्रशासन, सारी हमारी पार्टी के सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। जो भी दोषी होगा, जो कानून में उसे दोष, उसने क्राइम करा है, तो उसे फांसी होगी या जो भी उम्र कैद होगी, वो जो भी कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वो हम लोग उसे दिलवाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आश्वासन पूरा दे रहे हैं। अभी हमारे विधायक जी ने DCP साहब, टर्की साहब जो है, उन्होंने बात करी है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, आप लोगों के साथ हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, आपकी वजह से हैं, विधायक जी भी और मैं भी, मैं 24 घंटे आपके साथ हूं, मेरा नंबर मैंने आपको दे दिया है। और इस माँ को, ये मेरी बहन है, एक तरीके से मेरा भतीजा गया, बेटा गया, तो उसे जहाँ से भी कंपनसेशन मिलेगी मैं उसे दिलवा के छोड़ूंगा और उसे सजा दिलवा के छोड़ूंगा। तो बड़ी दर्दनाक घटना है, ये चिंता का विषय है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। जिस बच्चों के थैले में, बस्ते में कागज़ और कलम होना चाहिए, उन बच्चों के थैले से कुछ धारदार हथियार निकल रहे हैं, तो चिंताजनक है।
क्योंकि भविष्य को हमें सुधारना होगा। और छोटे छोटे बच्चे अरे खेलते खेलते लड़ जाते हैं, थोड़ी देर में एक हो जाते हैं, परंतु छोटे छोटे बच्चों ने जिस प्रकार की घटना घटी है वो चिंताजनक है, परंतु प्रशासन पूरा सजग है और प्रशासन जो भी कार्रवाई है उचित रूप से कर रहा है। निसंदेह माता पिता के लिए, हम सबके लिए ये दुखद घटना तो है ही, क्योंकि माता पिता को समझाया है, हमारे स्थानीय SP साहब SHO सभी लोगों ने पूरा हमको वचन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई होगी, सभी अधिकारी जो भी कार्रवाई हो सकती है उचित कार्रवाई होगी और उन लोगों को पकड़ा जाएगा, दंड मिलेगा। पर फिर मैं कह रहा हूँ कानूनी कार्रवाई तो ठीक है, पर हम बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? घर में हमें बच्चों के साथ बैठना होगा, बताना होगा कि ये उम्र तुम्हारी कलम कागज़ की है, तलवार और चाकू की नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं बच्चों के माँ बाप को और घर वालों को ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, इसका मतलब घर में जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाया जा रहा है, तब तो इस प्रकार की घटना हो रही है। तो कहीं ना कहीं उस समाज को मैं कहता हूँ कि ये किसका आहित कर रहे हो आप, छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार की ये शिक्षा दी जा रही है वो जरूर चिंताजनक है। निसंदेह हाँ, और मैंने कहा नहीं, देखिए जो एक हत्या कर रहा है, हथियार उठा रहा है, वो उम्र से भले ही थोड़ा बहुत एक दो साल नाबालिग हो, वो नाबालिग नहीं है, नाबालिग का इस तरह की घटना नहीं घट सकता। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई, उसके साथ उनके घरवालों पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि घर का वातावरण विषैला होगा तब इस प्रकार के दुष्परिणाम हो रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कानूनी कार्रवाई बच्चों के साथ साथ घर में होना चाहिए, इस प्रकार का जो वातावरण पंथ को लेकर धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है वो ठीक नहीं, क्योंकि जिस समाज का लड़का ख़त्म हुआ है उस समाज तो कोई सिखाई नहीं जाता, वहाँ तो चींटी मर जाता, लोग पाप मानते हैं। तो मुझे लगता है जो वैचारिकता है, मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं दूषित है, उसे ठीक करने